Advait here. Considering you've worked with Amir since quite some time, was it relatively easy for you to convince him to come on board for this movie? You know, actually, Amir sir is because मैंने उनके साथ इतना काम किया है, मुझे पता है कि वो सिर्फ एक रीजन से हाँ बोलते हैं, और वो है स्क्रीन प्ले. मैं उनके साथ था जब उन्होंने पीके की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने धूम की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने दंगल की स्क्रिप्ट सुनी, मैं उनके साथ था. तो इन सब स्क्रिप्ट्स के बाद में वो सुनते थे, एक मिनट का भी ब्रेक नहीं लेते थे और कहते थे कि आई वॉन्ट टू डू दिस. तो एक्चुअली द वे टू कन्विंस हिम इज स्क्रीन प्ले. तो मेरा यही ड्रीम था कि वो मेरी स्क्रिप्ट का नरेशन सुने और कहें कि उन्हें ये करना है. या द फर्स्ट टाइम आई नरेटेड द स्क्रिप्ट टू हिम, वो स्क्रिप्ट खत्म हुई, नरेशन खत्म हुआ और वो उठ के टॉयलेट चले गए. तो वो 2 मिनट के लिए मुझे काफ़ी टेंशन था और मैं नर्वस था, और टॉयलेट से बाहर निकले, हाथ धोते धोते उन्होंने कहा, सो व्हेन डू यू वांट टू मेक दिस फिल्म? एक्चुअली मुझे बहुत रोना आ रहा था, तो सबके सामने मैं वैसे रोते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा कंपोज होके आऊँ मैं. तो मुँह धोके मैं वापस आया, मैंने बोला व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट द फिल्म? आई वॉज वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट नरेशन इटसेल्फ कि मुझे फिल्म करनी है. रोल ये जो है मुझे करना है कि नहीं करना, मैं कन्विंस नहीं था. फिल्म मुझे प्रोड्यूस करनी थी अद्वैत के साथ एज ए डायरेक्टर. लेकिन जब अद्वैत ने कहा कि आप इसमें ये किरदार करिए, तो मैं श्योर नहीं था, क्योंकि ये किरदार मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है मुझसे. और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस फिल्म को डिस्टर्ब करूं किसी भी तरह. तो मैंने अद्वैत से कहा कि मैं स्क्रीन टेस्ट दूंगा. तो मैंने बाकायदा स्क्रीन टेस्ट दिया, और स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा, हमको लगा कि हाँ मैं कैरेक्टर कर पाऊँगा. आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊँगा. तो स्क्रीन टेस्ट किया हमने. स्क्रीन टेस्ट के बाद देन वी डिसाइडेड दैट आई विल डू द रोल. आपने प्रोडक्शन में जाने जाते हैं, आपने उनके साथ में काम करते थे, आपने क्या-क्या तैयारी की है ताकि एकदम वो चीज बनी रहे? कितना आप उनके साथ में अपने आप को कितना तैयार? देखिए, जो उनसे सीखा है पिछले 10 सालों में, वो अप्लाई करने की कोशिश की है. उनके पास आया हूँ उतना भी नहीं कह पाऊँगा. वो जैसे सूरज है, मैं कुछ उनका शैडो हूँ. अभी आप लोगों के सामने बड़े तमीज़ से बात कर रहे हैं. इनकी असलियत आप को देखना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए. आमिर सवाल है मेरा, लेकिन मैं अद्वैत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा. अद्वैत बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं, और ये सही है कि वो मेरे साथ 10 सालों से साथ में हैं. और एक तरह से जो मेरी 2 इंटर्न्स हैं इस वक्त, फ़ातिमा और सानिया, मेरे पहले इंटर्न एक्चुअली अद्वैत रहे. ही इज़ बीन द पर्सन हु इज़ द ओरिजिनल इंटर्न, जो मेरे साथ में रहे हैं हर कदम. और मुझे लगता है कि देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है मैं वो शेयर करूँ, लेकिन हर इंसान पे है कि वो आपसे क्या लेता है क्या नहीं लेता है. एंड आई थिंक जब से अद्वैत मेरे साथ काम करना उन्होंने शुरू किया, आई फाउंड हिम टू बी वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट. और अक्सर मैं अपने डिसीशंस में अद्वैत को शामिल करता हूँ, मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ. तो ही इज़ वेरी ब्राइट एंड गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. सो आई थिंक दैट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि ये उनकी पहली फिल्म बन रही है और इतनी अच्छी बनाई है उन्होंने. मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ट्रस्ट और फेथ दोनों किरण और मुझे था इनमें, ही इज़ कम्प्लीटली स्टूड अप टू दैट.